आज हमारा जो लेक्चर है जिसके रिलेटेड हमारी वर्किंग बिलोंग करेगी वो आपका सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन का है। आज हम देखेंगे कि हमने अपने कंप्यूटर में कौन कौन से सॉफ्टवेयर हैं जो इंस्टॉल करने हैं, ताकि आप कभी भी कोई भी अगर कंप्यूटर कोर्स जो है वो उसको कंटिन्यू करते हैं तो इसके हवाले से आपकी जो वर्किंग है वो परफॉर्म हो सके। तो सबसे पहले जिस सॉफ्टवेयर की बात करेंगे इसके लिए मैंने पूरी आपके लिए इस सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन की जो प्ले लिस्ट है वो आपके पास यूट्यूब के ऊपर उसकी मैंने एक सीरीज बनाकर रख दी है। इसका पूरा पैटर्न आपको वहाँ पर मिल जाएगा। आपने यहाँ ओपन करना है चैनल, जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे मेन इसमें होम के बाद आप प्ले लिस्ट में जाएंगे। वहाँ दो प्ले लिस्ट आपको मिलेंगी, एक रेडी फॉर योर कंप्यूटर लैपटॉप सॉफ्टवेयर यूज और एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन है। तो ये दोनों प्ले लिस्ट मैं चाहता हूँ कि आप अपने तौर पर एक्सप्लोर करेंगे और देखेंगे और कोशिश करेंगे कि इनमें से बहुत से सॉफ्टवेयर जो है वो आप अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लें। अब यहाँ पर कुछ सॉफ्टवेयर की एक लंबी थोड़ी लिस्ट आ रही है। इससे सबसे पहले आपको दो वीडियो दी गई हैं जिसमें विंडोज इंस्टॉल करने का तरीका आपको बताया गया है, विंडोज 10 कैसे इंस्टॉल की जाती है या विंडोज 10 के ऊपर किस तरह से वर्किंग की जानी है। मैं चाहता हूँ कि ये दोनों सीरीज आप देख लें, ये दोनों लेक्चर्स आप देख लें। लेकिन एक बात मैं आपको क्लियर कर दूँ, यहाँ पर एक थोड़ा सा इशू ये है कि इन लेक्चर्स के अंदर यानी इस वीडियो को रिकॉर्ड करते हुए चाहे वो आपका हैंडमेड रिकॉर्डिंग है या चाहे वो सिस्टम से रिलेटेड रिकॉर्डिंग है, मैंने बेसिकली जहाँ पर वो सिस्टम स्टक हो जाता है या इट विल टेक टाइम तो वहाँ पर मैंने इसकी जो वो स्क्रीन है उन्हें काट दिया ताकि विंडो को जब कम से कम जो वीडियो है वो लाइट देती जो है वो बनाई जा सके। तो याद रखिएगा इसमें कुछ स्टेजेस ऐसी होती हैं जहाँ जैसे गेटिंग स्टार्टेड स्टेज है और जो बेसिकली फर्स्ट जनरेशन सेकेंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन सिस्टम हैं उनके ऊपर जो है वो जो ये वाली स्टेज है गेटिंग रेडी की और जो फर्स्ट टाइम सिस्टम रिस्टार्ट होगा इट विल टेक अ बिट मोर टाइम सोने का जो वीडियो है उसके अंदर जो टाइम दिखाया गया है उसकी निस्बत वहाँ थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा। तो रिमेंबर यू हैव टू वेट, आपने टेंशन ही लेनी है और इंतजार करना है। इसका आसान तरीका एक बच्चे ने अक्सर मेरे को पूछा है, मैंने सवाल भी किया कमेंट बॉक्स के अंदर वीडियो के ऊपर, तो मैंने उससे क्वेश्चन पूछा कि सर मेरे पास गेटिंग स्टार्टिंग के ऊपर मेरा कंप्यूटर जो है वो स्टक हो जाता है, यानी जब मैं अपने कंप्यूटर में विंडो इंस्टॉल कर रहा हूँ या अपने कंप्यूटर को रेडी कर रहा हूँ तो मेरे पास जो मेरे कंप्यूटर की विंडो है वो इंस्टॉल होते हुए गेटिंग स्टार्टेड एक स्क्रीन है वहाँ पर जाकर स्टक हो जाता है, यानी तकरीबन इट विल टेक अप टू 5 से 10 मिनट्स। और मुझे नहीं समझ आता सर कि एक ट्रैक्टर है वो घूमता रहता है और एक यानी बिजी लोडर जो है वो मेरे पास अवेलेबल होता है, तो इसका क्या सोल्यूशन है या इस प्रॉब्लम को मैंने कैसे सॉर्ट आउट करना है। तो अब ये जो प्रॉब्लम है यानी ये जो आपका उन्होंने मसला मुझे बताया या जो उन्होंने प्रॉब्लम बताई है, इस प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन है वो ये है कि आपने इंतज़ार करना है। अब कैसे इंतज़ार करना है या कैसे मुझे पता चलेगा कि मेरे मैंने वेट करना है या यहाँ पर मैंने अपनी वर्किंग का आगाज करना है या मैंने अपने इम्प्लीमेंट को डील करना है, तो उसका आसान और सिंपल सोल्यूशन ये है कि आपने उस वक्त तक वेट करते रहना है जब तक आपका कंप्यूटर रिस्पॉन्ड नहीं करता। नाउ द क्वेश्चन इज कैसे पता चलेगा कि अब आपका जो रिस्पॉन्स बार है या रिस्पॉन्डिंग है वो एक्यूरेट हो चुकी है या जो आपकी वर्किंग है वो अप्रोप्रिएटली आपके पास जो है वो प्रॉपरली मेरे पास आ गई है या आपको जो प्रॉपरली जो है वो अवेलेबल नज़र आ रही है, तो मुझे कैसे इस चीज़ के बारे में आइडिया होगा कि मेरा कंप्यूटर जो है वो स्टक नहीं है। क्योंकि मैंने देखा है लोग अच्छे बिना 5 से 10 मिनट्स इट्स अ ह्यूज टाइम जब कभी आप अपने पास को विंडो इंस्टॉल कर रहे होते हैं तो एक प्रेशर होता है इंस्टॉलेशन का, तो वो अभी जब आपके ऊपर आता है तो फिर आप परेशान हो जाते हैं। तो वहाँ पर मैं क्या करूँगा, तो आपने याद रखना है कि अगर आपके पास आपके कीबोर्ड लगा हुआ है, कोशिश करें कि अगर आप अपने लैपटॉप पर विंडो कर रहे हैं तो आप उसके साथ अपना एक कीबोर्ड अटैच करके विंडो कर लें। अगर नहीं है तो आपके न्यूमेरिक पैड का एक बटन होता है या कैप्स लॉक का बटन होता है उसको दबाकर चेक करें क्या आपके कीबोर्ड की लाइट या स्क्रीन से जो आपका पैड है लैपटॉप का पैड है उसकी लाइट ब्लिंक करती है। अगर आप उस बटन को प्रेस करते हैं और आपके पास वो लाइट जलती बुझती है तो जब तक आपके बटन प्रेस करने से चाहे वो थोड़े टाइम के साथ आप डिले के साथ ये चीज़ें शो करें, अगर वो आपके पास जलती और बुझती है तो इसका मतलब ये है कि आपने इंतज़ार करना है। ये नहीं करना है कि आप अपने लोग होता है वो प्लग ऑन कर देते हैं कंप्यूटर की तार उतार देते हैं किसी से तो समझ नहीं आ रही कि कहाँ जाकर स्टक हो गया। याद रखिएगा ये स्टेज सिस्टम के लिए काफ़ी डिस्टर्बिंग स्टेज है, तो आपने कोशिश करनी है कि आपने इंतज़ार करना है। अब सब टाइम ऐसा होता है कि हमारे पास इंटर सेलरॉन के सिस्टम जो होते हैं लोगों को लोग जो परचेज करते हैं तो उन्हें सिर्फ ये कह के सेल कर दिया जाता है कि ये बेसिकली इंटेल का प्रोसेसर है। इट्स नॉट इंटेल, इट्स इंटेल सेलरॉन। सेलरॉन एक और कंपनी है, इंटेल एक और कंपनी है,
इन दोनों के मिक्सचर के साथ जो है बेसिकली वो इंटेल सेलेरॉन कंपनी, ये काफी पुरानी बात है, 2000-2001 की बात है, जब इन दोनों कंपनी ने अपने जॉइंट वेंचर किया और अपने कुछ इकोनॉमिकल यानी की सिस्टम जो है वो मार्केट में लॉन्च किए। तो अगर आप किसी सेलेरॉन सिस्टम के ऊपर अपने पास करेंगे, या आप एक सिस्टम होते हैं उन्हें एएमडी सिस्टम कहते हैं, एएमडी सिस्टम के अंदर थोड़ा सा मतलब ये होता है कि इनकी जो चिप है अगर आप उसके ऊपर डुअल प्रोसेसिंग करते हैं, डुअल प्रोसेसिंग का मतलब होता है कि आप गाने भी सुन रहे हैं, अपने साथ अपना काम भी कर रहे हैं, आप कोई कैलकुलेशन भी कर रहे हैं, कैलकुलेटर भी ओपन किया हुआ है, यानी जब आप दो या दो से ज्यादा प्रोग्राम ओपन करते हैं तो डुअल प्रोसेसिंग करते हैं। तो जब आप डुअल प्रोसेसिंग कर रहे होते हैं तो एएमडी मशीन के जो प्रोसेसर हैं या जो इनकी चिप्स होती हैं वो हीटअप हो जाती हैं, और 2-3-4 घंटे के बाद जो है ये कंप्यूटर जो है इनको रीस्टार्ट करना मस्ट हो जाता है अगर आप सिस्टम की मैक्सिमम स्पीड जो है वो गेन करना चाहते हैं। तो नतीजा ये निकला कि आपने सबसे पहले अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करनी है विंडोज 10, और कोशिश करें कि आप उसका लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड करें। मैंने आपको लिंक प्रोवाइड किया हुआ है, आप इन लेक्चर्स के अंदर से जाकर विंडो का लिंक देख सकते हैं। अपने हाथ से आप में से हर एक को विंडो इंस्टॉल करनी चाहिए क्योंकि आपके ये कंप्यूटर कैरियर का आगाज है, और अगर आपको अपना कंप्यूटर खुद से एडजस्ट करना नहीं आता तो इसके लिए सब प्रॉब्लम। याद रखिएगा, अगर आप आगे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की दुनिया में जाते हैं या किसी भी सॉफ्टवेयर मेकिंग कंपनी के साथ ज्वाइनिंग करते हैं तो देर इज अ पॉसिबिलिटी कि जब आपको सिस्टम मिले देर इज सेट कि आपने अपना सिस्टम खुद तैयार करना है, तो आपने अपने कंप्यूटर को अपने हिसाब से बिल्टअप करना है। तो मैं चाहता हूँ कि आप खुद सब कुछ करें, ना कि वहाँ पर जो नेटवर्क वाले हैं आप उनके मातहत आ जाएं और आपको जो है वो जिस तरह वो गाइड करें उस तरह चलें और आपको समझ भी ना आए। लेकिन ये कि होप करते हैं कि आप आज के लेक्चर के बाद जब भी आप सारे लेक्चर की मुकम्मल प्रिपरेशन कर लेंगे तो आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप किसी भी आने वाले फ्यूचर कंपटीशन के लिए जो है वो अपने सिस्टम को रेडी रखें, और कुछ सॉफ्टवेयर जिनकी ज़रूरत है उनके मैं नाम आज लिखता जाऊंगा, साथ साथ बताता जाऊंगा उनको इंस्टॉल कैसे करना है। इसकी पूरी वीडियोज मैंने आपके लिए अपलोड कर दी है। ये लेक्चर थोड़ा सा लेंथी हो जाता है अगर मैं एक एक चीज़ आपको इंस्टॉल करके दिखाऊंगा, दैट आई विल नॉट डू दैट। तो मैं ये करूंगा कि अभी मैंने आपके लिए ऑलरेडी उसकी छोटे छोटे क्लिप्स छोटे छोटे वीडियोज बना कर रख दी हैं, कौन सा सॉफ्टवेयर है जो मैं रिकमेंड करता हूँ, कौन सा सॉफ्टवेयर जो मैं रिकमेंड नहीं करता, वो आपके सिस्टम में होना चाहिए या उसको आपने कब यूज करना है, आज इन चीज़ों के हवाले से हम बात करेंगे। तो अभी इसी सीरीज के अंदर मैं जो वहाँ पर आपको प्ले लिस्ट नजर आ रही होगी जिसमें है रेडी योर कंप्यूटर लैपटॉप फॉर फ्यूचर, इसके अंदर पहला जो वर्कआउट है वो गेटिंग रेडी विंडोज 10 और गेटिंग रेडी विंडोज 10, ये दोनों मैं चाहता हूँ एक देखें। एक आपके पास 20 मिनट्स की 23 सेकेंड्स की वीडियो है जो कि 30 मिनट 1 मिनट 28 की सेकेंड्स की वीडियो है, तो मैं चाहता हूँ कि आप ये दोनों देखें क्योंकि इनमें एक आधे के अंदर मैंने ये बताया होगा ये कटिंग के साथ होगी, ये प्योर होगी, लेकिन फिर भी इसमें गेटिंग रेडी और एक दो जगह जहाँ आपका सिस्टम दूसरी दफा रिस्टार्ट होता है जब वो आपको वेलकम करेगा, आपका डेस्कटॉप वगैरह बिल्ड करेगा, वो चीज़ें अभी कट कर दी गई हैं। लेकिन ये Core i5 मशीन के ऊपर जो है वो सेकेंड जनरेशन के ऊपर इंस्टॉलेशन है, यानी इसका मतलब है कि अगर आपका Core i5 3rd, 4th, 5th जनरेशन सिस्टम है तो उससे विंडोज जल्दी हो जाएगी। अगर आपके पास किसी के पास 4i7 मशीन है विद 4th जनरेशन जो कि सबसे गुड मशीन है विद 8GB RAM, तो विंडोज 10 आपके पास 10-15 मिनट के अंदर कम्प्लीटली परफॉर्म हो जाती है। लेकिन एक और प्रोसेस है उसे विंडोज अपडेट प्रोसेस कहते हैं, लेकिन मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि ये दो वीडियोज आप देखेंगे तो आप इस काबिल जरूर हो जाएंगे कि आप अपने पास विंडो इंस्टॉल कर सकें। यानी अब हमारे पास जो हमारा पहला स्टेप था वो ये था कि आप विंडो इंस्टॉल करें, तो मेरा ख्याल है कि हम इस स्टेज पर पहुंच चुके हैं कि हमने अपना पहला स्टेप जो है कि अपने कंप्यूटर के अंदर जो विंडो है वो इंस्टॉल कर ली है। उसके बाद आपने एक चीज़ और चेक करनी है, मोस्टली विंडो 10 जो है उसका जो लेटेस्ट रिलीज अब 2004 जो है वो उसकी लेटेस्ट रिलीज है जो इस वक्त माइक्रोसॉफ्ट ने नए के मंथ में नए 2020 के अंदर जो है वो रिलीज की है, तो वो स्टेबल है। जून का जो एडिशन है वो आ चुका हुआ है माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट से, लेकिन उसमें भी प्रॉब्लम्स हैं, तो मैं उसको भी आपको नहीं कहूँगा कि आप उसको डील करें, उसमें बग्स हैं। तो नए एडिशन तक अभी आपको फाइनल वर्जन जो है वो मिलेगा, जून एडिशन जो आया है उसके अंदर अभी प्रॉब्लम आ रही है। तो इंस्टॉल आपने कर लेनी है अपने सिस्टम के ऊपर विंडो, उसके बाद आपने चेक करने हैं ड्राइवर्स, क्योंकि मेरा जो सिस्टम है बेसिकली उसके अंदर मैंने अलग से एक डिस्प्ले कार्ड लगाया हुआ है NVIDIA का, जो ग्राफिक डिजाइनिंग लोग करेंगे आगे जाके वो मोस्टली अपने सिस्टम के अंदर जो है वो ग्राफिक कार्ड जो है वो इंस्टॉल करवाते हैं, एक से या तो आप रैम बढ़ा लें एक सॉल्यूशन ये होता है, या आप ग्राफिक कार्ड बढ़ा लें। लेकिन वो लोग जो आगे गेमिंग में जाना चाहते हैं, गेमें खेलना चाह रहे हैं,
वो लोग हो गए, उनके लिए एनवीडिया एक कंपनी है, इनके कार्ड जो है वो वीजीए पे हैं, एफवीजीए कार्ड है, सुपर वीडियोग्राफिक के डॉक्टर्स हैं, वो आप लगवा लेते हैं। इससे ये कि आपके जो स्क्रीन है या वीडियो है उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है अगर आपका इनको यूज करें, क्योंकि इससे आपके सिस्टम की जो कैशे है वो शेयर नहीं होती और आपका सिस्टम जो है वो बेहतर तरीके से चलना शुरू हो जाता है। ना तो क्वेश्चन है कि मैं किस तरह चेक करूंगा कि क्या मेरे कंप्यूटर के अंदर ये सब चीजें मौजूद है कि नहीं। तो ये स्टार्ट के बटन पे आपने जाना है और यहाँ पर आपने राइट क्लिक कर देना है। जैसे आप राइट क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगी जिसका नाम है डिवाइस मैनेजर। आपने डिवाइस मैनेजर की ऑप्शन को ओपन कर लेना। जैसे आपने डिवाइस मैनेजर की ऑप्शन ओपन की, आपके पास जो है वो डिवाइस मैनेजर का जो टैब है वो आपके पास इस तरह से ओपन हो गया। यहाँ देखें तो मेरे पास ये मेरा डिस्प्ले डॉक्टर है और मैं उस पर क्लिक करता हूँ तो ऑलरेडी मैंने एनवीडिया का ये जो डिस्प्ले डॉक्टर है वो अपने पास इंस्टॉल कर लिया है। नाउ द क्वेश्चन इज कि सर कैसे पता चलेगा कि मेरा जो डिस्प्ले डॉक्टर है उसकी पावर कितनी है या वो कितनी ताकत का है या वो किस तरह से वर्किंग जो है वो परफॉर्म कर रहा है। तो इस रीजन के लिए आपके पास ये सर्च का बॉक्स आता है नीचे बॉटम के ऊपर, आपने इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर आप टाइप करेंगे DXDIAG विच इज डायरेक्ट टेक्स डायलॉग। आपने डायरेक्ट टेक्स डायलॉग को ओपन करना है और मैं प्रेफर करता हूँ कि ऐसे सॉफ्टवेयर जो सिस्टम के रिसोर्सेज को चेक करने के लिए यूज होते हैं उनको आपने रन एज एडमिनिस्ट्रेटर ओपन करना है। मैंने रन एज एडमिनिस्ट्रेटर ओपन किया तो ये आपको एक वार्निंग मैसेज भी शो करेगा, तो यू हैव टू गो प्रेस यस और आप इसे कह दें यस वी हैव टू चेक ऑल द डिजिटल साइन ऑफ दिस फॉर माई कंप्यूटर। अब मैंने यहाँ पे इंतजार करना है। याद रखिएगा वो लोग जो बात सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन के हवाले से जो काम कर रहे हैं तो आपने पैनिक फील नहीं करना, क्योंकि ये वो स्टेज है कि डिपेंड करेगी आपके सिस्टम की परफॉर्मेंस के ऊपर। अगर आपका सिस्टम बहुत अच्छा है तो फिर ये चीज़ें जल्दी जल्दी ओपन हो जाएंगी, अदरवाइज इसमें एक मेरे सिस्टम की वर्किंग से भी ज़्यादा टाइम जो है ये आपके पास मिलेगा। तो ये वही इन्फॉर्मेशन आपके पास सिस्टम की इन्फॉर्मेशन आ रही है कि आज डेट क्या है, आज जो है जुमातुल मुबारक जून 12, 2020 है और इस वक्त आपकी क्लास का टाइम होगा, कंप्यूटर आपका उसका नाम ये है एंड लॉट्स ऑफ अदर थिंग्स जो है पहले हम इसको आर डिस्कस कर चुके हैं। बताने वाली बात यह है कि मेरे पास मॉडल जो है सिस्टम का ऑक्सी का है, COMPASS 6200 PRO मैं यूज कर रहा हूँ और उसका प्रोसेसर इंटर रजिस्टर्ड कोर ट्रेडमार्क 4R5 सेकेंड जनरेशन और 400 पावर है उसके अंदर मौजूद है, जिसके प्रोसेसर की जो ताकत है वो 3.10 है। इंस्टॉल्ड मेमोरी 4 GB आपके सिस्टम में रैम जो है वो लगी हुई है। आगे की चीज़ों में जो डायरेक्टएक्स का वर्जन है वो 12 है। आपने क्लिक किया यहाँ से, आपने डिस्प्ले के ऊपर क्लिक कर दिया और जैसे आपने डिस्प्ले पर क्लिक किया आप देखिए यहाँ पर आपके पास इन्फॉर्मेशन आ गई है। इसका मतलब है कि मेरे पास एक मैनुफेक्चर कंपनी है एनवीडिया, उनका ग्राफिक कार्ड जो है वो इंस्टॉल्ड हुआ हुआ है और टोटल अप्रॉक्सीमेट मेमोरी जो है उसकी 500 MB का उसकी वी रैम है, शेयर्ड मेमोरी इतनी है एंड इसका जो डिस्प्ले रेजोल्यूशन मैं यूज़ कर रहा हूँ इस वीडियो को रिकॉर्ड करने के लिए 1024x768 है और 60 Hz के ऊपर हम इसकी वीडियो आपको चला रहे हैं। इसका यहाँ आप देखें तो इसमें नो प्रॉब्लम है। अगर आपका वीडियो कार्ड प्रॉपर इंस्टॉल नहीं है, चीज़ें प्रॉपरली नहीं चल रही तो यहाँ पर आपके एरर मैसेजेस जो हैं वो आपको मिल सकते हैं। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप इन एरर मैसेजेस को अपने पास से रिमूव करके देखेंगे। मेरे पास क्योंकि साउंड की चीज़ें और इसलिए आ रही हैं क्योंकि मैंने यहाँ पर एडिशनल हेडफोन लगाया हुआ है और माइक लगाया हुआ है बैठकर, तो अभी इनकी बात हम नहीं कर रहे, लेकिन मैंने आपको ये कहा कि आपने ड्राइवर्स चेक करने हैं डिवाइस मैनेजर से या DXDIAG से। अगर डिवाइस मैनेजर में कोई ड्राइवर मिसिंग है तो फिर आप क्या करेंगे, आप दोबारा यहीं जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप टाइप करेंगे, क्योंकि मैं अभी आपको एक्सपर्ट नहीं है कि आपका ड्राइवर प्रॉपरली सपोर्ट करें, तो आपने चेक फॉर अपडेट करना है, इसे आप क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप चेक फॉर अपडेट पर क्लिक करेंगे आपके पास आपकी विंडो अपडेट जो है वो आ जाएगी। आपने कोशिश करना है कि यहाँ आपके पास ये ग्रीन कलर का जो निशान है ये आपके पास हो, अगर ये नहीं आ रहा तो फिर आपने यहाँ से चेक फॉर अपडेट के ऊपर क्लिक करके अपने ड्राइवर्स को अपडेट करना है। इट विल टेक टाइम अप टू 2 to 3 days अप टू डिपेंड्स ऑन योर इंटरनेट स्पीड। तो उसके बाद आपने इसको वर्कआउट कर देना है तो आपके पास की आपकी वर्किंग कंप्लीट हो जाएगी। अगर आप चेक करना चाहते हैं कि उसका जो विंडो आपने इंस्टॉल की है उसका वर्जन क्या है, तो आप विन वर्क की कमांड टाइप करेंगे। ये भी आप स्टार्ट के बटन में टाइप करेंगे, ये चीज़ आपको क्या बताएगी, ये आपको बताएगी कि आपके विंडो का वर्जन क्या है। ये मैंने टाइप किया विन वर्क और ओके का बटन क्लिक किया तो ये मुझे बता रहा है कि उसके मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट विंडोज है जिसका वर्जन 2004 है, OS बिल्ट 19041 है और 529 का अपडेट है। तो फिलहाल जो वर्जन मेरे पास चल रहा है वो 2004 वर्जन जो है विंडोज 10 का जो है वो मेरे पास आ रहा है और हम सबको पता है कि विंडोज अब इन वर्जन को आगे अपडेट नहीं करेगी। एक और चीज़ जो अक्सर मैंने देखा है विंडोज के ऊपर लोगों को प्रॉब्लम आता है
वो ये है कि आपकी विंडो रजिस्टर्ड नहीं होती, तो इसके ऊपर बाद में थोड़ी सी बात करते हैं। पता कैसे लगता है कि विंडो रजिस्टर्ड है कि नहीं? आपने राइट क्लिक किया प्रॉपर्टीज में गए, मोस्टली यहाँ पर लिखा हुआ भी आ जाएगा कि अगर आपकी विंडो रजिस्टर्ड नहीं है तो यहाँ पर आएगा विंडो इज नॉट एक्टिवेटेड मेरी, क्योंकि विंडो मेरे नाम पर रजिस्टर्ड है, माइक्रोसॉफ्ट से रजिस्टर्ड विंडो है मेरी, और तो इसलिए मेरे पास यहाँ पर जो है जब मैं अपना लॉग इन करता हूँ तो ऑटोमेटिकली जो एक्टिविटी दे जाती है। आप लोगों को जिस दिन मैं ऑफिस पर आऊंगा उसको ऑफिस को मुकम्मल हम देखेंगे कंफिगर करना, वहाँ मैं आपको बताऊंगा कि ऑफिस के एक्टिवेटर की मदद से हम विंडोज और ऑफिस को किस तरह से एक्टिवेट कर सकते हैं। तो विंडोज इस वक्त मेरे पास जो कंप्यूटर चल रहा है उसमें मेरे नाम से ये रजिस्टर्ड है और मेरे नाम से ये एक्टिव विंडो है। तो आई जस्ट क्लोज दिस वन, मैंने इसको बंद कर दिया एंड सेम आई जस्ट क्लोज दिस वन। तो पहला स्टेप आपका ये था कि आपने विन वर लिखकर अपने कंप्यूटर के अंदर विंडोज इंस्टॉल कर लेंगे। याद रखिएगा अगर आपके सिस्टम में विंडोज इंस्टॉल हुई है तो दोबारा छेड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दैट विल क्रिएट लॉट्स ऑफ अदर प्रॉब्लम। तो मैं यहाँ पर चेक कर ये करूँगा तो फिर आपने इसको यूज नहीं करना। फिर भी एहतियातन मैं चाहता हूँ कि ये दोनों लेक्चर आप एक दफा देखें। अगर आपके कंप्यूटर में विंडोज करप्ट है तो फिर आपने ये करना है कि आपने इनको अपने मोबाइल के ऊपर ओपन कर लेना है और वहां पर जाकर वहां से आप इसके साथ साथ देखते जाएं, साथ साथ वर्किंग करते जाएं, जैसे जितने तक काम कम्प्लीट होता जाए साथ साथ वीडियो को पॉज करते जाएं और स्टेप बाय स्टेप कोशिश करें कि आपको तमाम चीज़ों को अंडरस्टैंड कर जाएं और कोशिश करें कि आप अपने पास इस वीडियो को देखकर इसके नोट्स भी बनाएं। तो जब आप इसके नोट्स भी बनाएंगे तो इन फ्यूचर कभी भी आपको अगर विंडो के अंदर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप इसको अपने साथ शेयर कर सकते हैं। अगला सॉफ्टवेयर जो है इसका नाम है एनजेड। ये बेसिकली एक स्क्रीन शेयरिंग का सॉफ्टवेयर है। स्क्रीन शेयरिंग सॉफ्टवेयर ये होता है कि मैंने अगर आपके कंप्यूटर में कुछ देखना है तो मैं एनी डेस्क के सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करूंगा। मैं लिख देता हूँ एनी डेस्क का सॉफ्टवेयर है जी आपके पास नहीं। जो अगला सॉफ्टवेयर आपने इंस्टॉल करना है वो है एनी डेस्क। लेकिन मजे की बात ये है कि ये मैं अब रिजेक्ट करता हूँ, ये आपने इंस्टॉल नहीं करना। सुन लीजिएगा, जब आप एनी डेस्क कनेक्ट करते हैं तो कोई भी रिमोटली आके कंप्यूटर को सर्च कर लेता है। इसमें दो ऑप्शन आती है, एक होता है प्राइवेट नेटवर्क, एक होता है पब्लिक नेटवर्क। मोस्टली हम लोग जो है वो यूज कर रहे होते हैं हम यूज कर रहे होते हैं क्या हम यूज कर रहे होते हैं वाई फाई, तो हम उसको अपने पब्लिक नेटवर्क के ऊपर सर्च कर लेते हैं। लेकिन अभी विद इन 20 or 10 days पहले मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा रिसर्च किया तो मुझे पता चला कि जब आप पब्लिकली नेटवर्क सर्च करते हैं तो एक इसमें इशू ये है कि इसके अंदर आपके सिस्टम में मलवेयर और स्पाईवेयर के आने का खतरा है, जो आपके सिस्टम के ब्राउजर को करप्ट करता और आपके ब्राउजर की इंफॉर्मेशन लीक हो सकती है। तो अगर आप में से कोई भी अपने ऑनलाइन बैंकिंग करता है, जैसे मैं भी ऑनलाइन बैंकिंग करता हूँ, तो आप अपनी इंफॉर्मेशन अपने ब्राउजर के अंदर स्टोर कर देते हैं तो वो आपकी इंफॉर्मेशन आपके सिस्टम से लीक हो जाती है। तो फिर मैं आप एनी डेस्क के बाद इंस्टॉल करेंगे, इसकी कंप्लीट प्रोसेस यहाँ पर लिखा हुआ है। मैं चाहूंगा कि वीडियो आप देखें, बट आपने एनी डेस्क यूज नहीं करना, बल्कि एनी डेस्क की बजाय जो दूसरा सॉफ्टवेयर यूज करेंगे जो कि बिट जरा थोड़ा सिस्टम को स्लो रूट कर देता है, उसका नाम है टीम व्यूअर। आप ये सॉफ्टवेयर यूज करेंगे, मोस्ट प्रॉब्ली अगर इसकी वीडियो आपको नहीं मिलेगी तो जल्दी मैं इसकी वीडियो भी आपको दे दूंगा। बाकी ये एनी डेस्क की तरह की वीडियो है, ये आपके पास कुछ इस तरह से जो ये सॉफ्टवेयर है वो आपके पास आएगा, इसको आपने डबल क्लिक करना है। बल्कि अभी चले इंतजार देता हूँ, मैं कोई ऐसे लग सकता अपने के लिए यूज नहीं है। आपने इसको डबल क्लिक करना है, जैसे आप इसको डबल क्लिक करेंगे याद रखिएगा टीम व्यूअर आपने नॉन कमर्शियल और पर्सनल यूज के लिए सर्च करना है। अगर आप इसे कमर्शियल यूज के लिए सर्च करेंगे तो वो फिर आपसे थोड़ी देर के बाद पैसे मांगना शुरू हो जाएगा। इसमें जो दूसरे को जब सर्च करना होता है तो आप अपना आईडी ये वाला बताते हैं और फिर जैसे वो उसको कनेक्ट करेगा आप उसके बाद उसको अपना पासवर्ड जो है वो ये वाला जो है वो रिकमेंड करेंगे। तो अभी आपके पास जो वर्किंग आ रही है वो ये है कि आप ये आईडी बताएंगे, फिर वो यहाँ से यहाँ लिखने के बाद कनेक्ट का बटन दबाएगा, फिर आप ये पासवर्ड बताएंगे, फिर आप उसे सक्सेस कर सकते हैं। यहाँ काम बिल्कुल वैसे ही है कि आप अपने रिमोट कंट्रोल के ऊपर यूज कर सकते हैं या मैं अपने माउस कीबोर्ड से आपके सिस्टम को चेक कर सकता हूँ, या अगर आप फाइल ट्रांसफर करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। यहाँ पर एक और बात यह है कि यहाँ आपको लॉग इन भी मिलते हैं। अगर आप यहाँ से साइन इन करके आते हैं तो आपके पास एक और पैनल यहाँ पे आ जाता है और उस पैनल के अंदर बेसिकली जिस तरह आप चैट कर सकते हैं अपने रिमोट मशीन के साथ, आप वो भी वर्किंग जो है वो इसके अंदर परफॉर्म कर सकते हैं। और जिंदगी रही तो इंशाल्लाह इसकी भी जल्दी में क्लिप रिकॉर्डिंग करके आपके जो है इंस्टॉलेशन आपको इसी लिस्ट के अंदर जो है वो प्रोवाइड कर दूंगा। नेक्स्ट ऑप्शन जो आपको मिलती है वो जो हमारे पास आती है वो हमारे पास थी हमने विंडो इंस्टॉल की, उसके बाद जो है वो हमारे पास जो है वर्कशॉप वो कुछ इस तरह से रेडी हो गया कि हमारे हमने एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करने के लिए तैयार है।
अब आगे आती है स्क्रीन रिकॉर्डिंग। वैसे तो कैजुअली आप लोगों को स्क्रीन रिकॉर्डिंग करने की जरूरत नहीं होती, लेकिन अभी मैंने आपको बताया कि पावरसॉफ्ट स्क्रीन रिकॉर्डर एक सॉफ्टवेयर है, जो अभी मैंने आपको जिसका लिंक भी प्रोवाइड किया है, आप वो अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लें तो आपकी जो वर्किंग है वो आपकी परफॉर्म हो जाती है। इट्स ऑप्शनल, इट्स नॉट नेसेसरी, ये मैं रिकमेंड आपको नहीं कर रहा, लेकिन ये कि अगर आप अपनी कोई चीज़ जो है वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग के तौर पर देखना चाह रहे हैं तो आप पावर सॉफ्टवेयर को अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लें। नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास जो आती है वो आपके पास है, जो आपने करनी है वो है VLC, वीडियो लैन कन्वर्टर। मोस्ट प्रॉब्ली मैंने इनके लिंक जो है जहाँ से आप इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं वो नीचे प्रोवाइड किए हुए हैं, आप डिस्क्रिप्शन के अंदर जाकर इन वीडियोस की डिस्क्रिप्शन के अंदर जाकर इन लिंक को देख सकते हैं। VLC वीडियो लैन कन्वर्टर इस वक्त दुनिया में सबसे पहले नंबर पर मौजूद जो है वो साउंड का सॉफ्टवेयर है, यानी VLC ये बेसिकली बनेगा दूसरे नंबर का प्रोग्राम। विंडो 10 के अंदर उसके अपने प्लेयर होते हैं, बट वो थोड़े हैवी हैं, जब आप उनके अंदर कोई वीडियो प्ले करते हैं या ऑडियो प्ले करते हैं तो आपके सिस्टम के काफी ज्यादा रिसोर्सेज जो है वो स्टक हो जाते हैं। याद रखिएगा, कुछ लोग जब विंडो 10 के ऊपर VLC इंस्टॉल करते हैं तो वो इसको एज अ ऐप भी आपको मिलता है, जो कि आपने देखा था कि आपके पास एक प्ले स्टोर के अंदर, जैसे अभी लास्ट मैंने आपको 3D पेंट के बारे में बताया था, तो जब वो माइक्रोसॉफ्ट स्टोर के ऊपर जाते हैं तो वो उन्हें यहाँ पर इसकी ऐप मिलेगी। आपने वो VLC ऐप यूज नहीं करनी, वो लाइट प्रूफिड नहीं है, वो बल्कि हैवी कर देती है। इंस्टॉल होने में जरूर लाइट प्रूफिड है, लेकिन जब भी आप कोई सॉन्ग चलाएंगे वो पहले आपके पास विंडो प्ले स्टोर ओपन करेगा, वहां से VLC को ऐप को ओपन करेगा और फिर आपका सॉन्ग चलेगा, जो कि काफी ज्यादा इरिटेटिंग हो जाता है और आपके सिस्टम की मेमोरी काफी ज्यादा ग्रैब कर लेता है। इंस्टॉलेशन कैसे करनी है इसका पूरा प्रोसेस मैंने यहाँ पर बताया हुआ है। डाउनलोड करने के बाद आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है और ये इस वक्त तक बेस्ट मल्टीमीडिया प्लेयर है। इसकी खास बात यह है कि आप इसके अंदर स्क्रीन क्लिप भी ले सकते हैं, तस्वीरें भी ले सकते हैं अपनी वीडियो की, आप इसके क्लिप काट भी सकते हैं और आप इसकी स्पीड कम ज्यादा कर सकते हैं। आप इसके अंदर अगर आपके सिस्टम की जो आवाज है वो 100 अगर है तो आप इसे 400 तक एक्सटेंड करके, यानी बड़ा हाई करके उसकी बफरिंग बढ़ा कर जो है उस आवाज को सुन सकते हैं। प्लस आप इसमें कन्वर्टर भी कर सकते हैं, फाइलों को कन्वर्ट भी किया जाता है। तो ये तमाम ऑप्शन जो है ये आपके पास आपके इस सॉफ्टवेयर यानी VLC में मिलती है। तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि मैं VLC यूज करता हूँ, तो आप भी जब इसके ऊपर वर्किंग करें तो आप VLC यूज करें। नेक्स्ट सॉफ्टवेयर जो आपके पास आता है वो है विनरार का सॉफ्टवेयर, यानी VLC के बाद जो आपके सिस्टम में मौजूद होना चाहिए वो सॉफ्टवेयर है नंबर 3 पे आने वाला विनरार। याद रखिएगा विनजिप भी सही भाई है, तो कैसे नहीं कह लें आप उनका, विनजिप अब माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने परचेज कर दिया हुआ है और विंडो के साथ अवेलेबल है। लेकिन कुछ ट्यूटोरियल, कुछ लेक्चर्स हम जब ऑनलाइन PDF डाउनलोड करते हैं तो वो हमें रॉर एक्सटेंशन में मिलते हैं। तो जब वो आपको रॉर एक्सटेंशन में मिलेंगे तो आपके पास सिस्टम में विन रॉर मौजूद होना चाहिए। अगर नहीं है तो अगर विनजिप एक्सटेंशन है किसी फाइल की तो फिर तो विनजिप आपका चल जाएगा, लेकिन अगर आपके पास रॉर एक्सटेंशन है तो फिर वो आपका विनजिप नहीं चलेगा, फिर वो विन रॉर सही होना है। इसी तरह कुछ कंप्रेस फाइल 7G सॉफ्टवेयर के अंदर होती हैं, तो 7G सॉफ्टवेयर भी आप नेट से डाउनलोड कर दें। ये बहुत छोटी यूटिलिटीज हैं, 8, 5, 7 MB के ये सॉफ्टवेयर हैं। तो मैं चाहूंगा कि ये आप यहाँ से देख लें और इसकी भी इंस्टॉलेशन ये 11th नंबर पे आपको मिलता है। ये आपको पूरी जो प्ले लिस्ट है वो आपको मिल जाएगी, आप यहाँ से देखें तो ये विन रॉर, विन जिप, 7G इनको कैसे इंस्टॉल करना है, कैसे यूज करना मैंने बता दिया। होता ये है कि इसके मदद से हम अपनी फाइलों को कंप्रेस कर लेते हैं, हमारी फाइलें छोटी हो जाती हैं, हमारे प्रोग्राम छोटे हो जाते हैं और आप अपने प्रोग्राम को थोड़ी जगह पर देख सकते हैं। मतलब यहाँ आप देखें तो मेरे पास जो मेरी ओरिजिनल फाइल थी, याद रखिएगा एक्जी इतनी जल्दी छोटी नहीं होती है, लेकिन हम मोस्टली अपने प्रोग्राम को जो अपनी फाइल्स हैं, ये जो अपनी वर्किंग है, इसको जब अपने पास रखते हैं तो हम उसको एक्सट्रैक्ट करके अपने पास जिप करके रखते हैं। जैसे यहाँ देखें तो अब मेरे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हालांकि बहुत बड़ा वर्कआउट है, लेकिन मैंने उसको कंप्रेस करके अपने पास 2019 वर्जन 64 या 32 जो भी डाउनलोड करके रखा हुआ, तो ये कंप्रेस अगर मैं इसको ओपन करूंगा तो इट विल टेक अप टू 4 to 5 GB, तकरीबन 1.5 से 2 GB का फर्क पड़ता है, बट एक्सटेंशन के ऊपर डिपेंड करता है। ये ISO एक्सटेंशन है, ये भी मैं बताता हूँ, ये अल्ट्रा ISO सॉफ्टवेयर उसके अंदर चलेगी, लेकिन अभी फिलहाल जो मैंने आपको बताया वो ये मैंने आपको बताया कि विनरार आपने यूज कर लेना। सेम एज इट इज, यानी नेक्स्ट सॉफ्टवेयर जो आता है वो आप सबको जाना पहचाना है। मैं हमेशा से प्रेफर करता हूँ कि आपने जब भी वर्किंग करनी है आपने टाइपिंग मास्टर से वर्किंग का आगाज करना है। तो टाइपिंग मास्टर एक सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर आप अपनी टाइपिंग परफॉर्म करेंगे, उसके हवाले से उसको भी कैसे इंस्टॉल करना है, इसकी भी कंप्लीट सेटिंग जो है
वो मैंने आपको यहाँ पर परफॉर्म कर दी है, आप यहाँ से ये सेटिंग भी देख सकते हैं। 11th नंबर पर आपको विंडोर वाली वीडियो मिल रही है, जिसके 12th पे आपको ये वाली वीडियो मिल रही है। उसके बाद ना अक्सर एक मसला होता है कि जब बच्चे थोड़ा यूज करते हैं, उन्हें नहीं पता होता है शुरू शुरू में, तो उनके पास होता ही है कि एक मसला आ जाता है। मसला क्या आ जाता है कि जो यूएसपी का डाटा है वो समटाइम ये होता है कि उसके ऊपर ना ब्रेकेज आ रही है, यानी वो नजर नहीं आ रहा। तो आपने ये वाला वर्कआउट देखना, विंडोज की व्यू सेटिंग होती है, वहां से जाकर आप हिडन फाइल्स को देख सकते हैं, सिस्टम फाइल्स को आप अनहाइड कर सकते हैं। तो ये वाला लेक्चर, इसके अंदर मैंने, अगर आपको ये मसला आ रहा है कि आपका यूएसपी का डाटा नजर नहीं आ रहा, या आपकी यूएसपी की फाइलें हाइड हो गई हैं, या आपको आपकी सिस्टम फाइलें नजर नहीं आ रही हैं, तो वो कैसे देखना है, इसमें विंडोज की व्यू सेटिंग होती है, या कंट्रोल पैनल की मदद से जाकर आप यहाँ से क्लिक करें, कंट्रोल पैनल का फोल्डर ओपन करें। कंट्रोल पैनल के फोल्डर को ओपन करने के बाद आप यहाँ पर जाकर इसके अंदर आपको फोल्डर ऑप्शन मिलती है, तो फोल्डर फोल्डर पे क्लिक कर देना है। तो फोल्डर आपने यहाँ से, अगर आपको यहाँ से नहीं पता चल रहा, आप माई कंप्यूटर से ओपन करें। माई कंप्यूटर ओपन किया और आल्ट एफ दबाएं, जैसे आप ऑल्ट एफ दबाएंगे आपका मेन्यू आ जाएगा, और इसमें व्यू टैब के ऊपर ओपन करके आपके पास ये ऑप्शन आ रही हैं, तो यहाँ से आप फोल्डर ऑप्शन ओपन कर सकते हैं। तो हम व्यू करेंगे और ये सारी सेटिंग जैसे मैंने इस वीडियो के अंदर भी बताई हुई है, कैसे आप हिडन फाइलों को शो करवा सकते हैं। आप खुद से हाइड करके रखना चाहते हैं, आप उन्हें हिडन नहीं करवाना चाहते, डोंट शो कर दें। हाइड मर्ज फाइल्स या हाइड सिस्टम फाइल्स, तो आप उन्हें हाइड या अनहाइड कर सकते हैं। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि ये लेक्चर भी आप यहाँ से देख लेंगे, और आप सबको अंदाजा होना चाहिए कि ये व्यू सेटिंग जो है ये सिस्टम की किस तरह से वर्कआउट परफॉर्म करती हैं। तो इसके लिए मैंने जो लेक्चर आपको कहा है वो आपका ये वाला लेक्चर है। इसके बाद सॉफ्टवेयर है आईडीएम के नाम से, अभी हम इसको इंस्टॉल करके देखेंगे कि आईडीएम कैसे करते हैं, और इसके पर इसको आप मेरे के इसकी वीडियो आप देख लीजिएगा। आईडीएम इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर है, और इसकी मदद से आप अपने सिस्टम में इन चीज़ों को डाउनलोड करके देख सकते हैं। इसका फायदा ये आईडीएम का कि ये आपकी जो डाउनलोडिंग है उसको, जो आपकी फाइल होती है उसको 5, 6, 7, 8, 10, 12 डिपेंड अपॉन डिफरेंट चैनल उसके अंदर डिवाइड करता है, हर चैनल को अलग अलग डाउनलोड करता है। इन केस अगर दरमियान में इंटरनेट बंद भी हो जाता है तो आपका जो इंटरनेट का पोर्शन है जितना डाउनलोड हो चुका होता है वो वहीं पे रहता है, और फिर आपकी जो वर्किंग है वो प्रॉपरली जो है उसके मुताबिक ही परफॉर्म होती है। जब दोबारा आपका इंटरनेट चलेगा तो वहीं से वो डाउनलोडिंग जो है वो करनी स्टार्ट कर देगा, जहाँ पर हमने अपना डाउनलोडिंग प्रोसेस जो है वो क्लोज किया होता है। तो इस तरह से आपके पास जो है वो आप अपने सिस्टम के ऊपर आईडीएम भी इंस्टॉल कर लें, यानी हम ये कह सकते हैं कि अगला जो सॉफ्टवेयर नंबर 5 पर मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ जो आपके सिस्टम में होना चाहिए, वो इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर है, ये आपके पास होना चाहिए। यहाँ तक अगर कोई बात पूछने वाली है तो मैं आप पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चन आप हैंड रेज करके पूछ सकते हैं। ओके जी, ये हमारा पहला पोर्शन जो है वो लेक्चर का कंप्लीट हुआ। अगले लेक्चर के अंदर हम बाकी सॉफ्टवेयर की बात करेंगे।